अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। डिस्टेंस जो है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में 300 किलोमीटर है। सिनारियो वन, सिनारियो वन में क्या है कि आपको 60 किलोमीटर ट्रेन से जाना है, 240 किलोमीटर बस से जाना है और आपको 4 घंटे लगते हैं। बस का स्पीड एक्स मान लिया है, ट्रेन का स्पीड वाई मान लिया है, ठीक है। तो जब आप ट्रेन से 60 जा रहे हो तो आपको टाइम कितना लगेगा, 60/y। जब आप बस से 240 किलोमीटर जा रहे हो, बस का स्पीड आपने एक्स माना है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 240/x, और ये मिलकर के 4 घंटा है। सिनेरियो 2 जो है, सिनेरियो 2 में क्या कह रहा है कि ट्रेन से जाना है आपको 100 किलोमीटर, ट्रेन से 100 किलोमीटर जाना है, टोटल डिस्टेंस है 300, यानी बस से जाने के लिए कितना बचा, 200 किलोमीटर, ऑब्वियस है। और तो आप चले जाओ 200 किलोमीटर, आप बस से चले जाओ 200/x टाइम हो गया, और 100 किलोमीटर ट्रेन से चले जाओ तो 100/y हो गया। और इसमें क्या होता है, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, तो 4 घंटा तो पूरा, 10 मिनट जो उसको घंटा में बदल दिया, 10/60 कर लिया, ये हो गया 41/6 आवर। इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल दिया तो ये 25/6। अब हमने क्या किया, 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखा गया 240a + 60b = 4, ये हो गया आपका 1 नंबर। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये क्या लिखा है, 200a + ये वाला चीज 100b = 25/6। अब इस 6 से इसको क्रॉस कर रहे हैं तो 6 × 200 = 1200a, 6 × 100 = 600b, ये वाला 25, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इलिमिनेशन यूज करेंगे तो किसी एक चीज को सेम करना है, इसको हमने पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 1200a 300b = 20 4 5 = 20। दूसरा इक्वेशन को एज इट इज रख दिया, माइनस कर लो, ये गया 300 में से 600 गया तो -300b, और इधर 20 में से 25 किया तो -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी b इक्वल्स क्या हुआ, 5/300, यानी 1/60। b का वैल्यू 1/60 जो है किसी भी इक्वेशन में रख दो, कहीं भी, इक्वेशन 1 में रख लिया, 240a + 60b = 4, 240a, b क्या है, 1/60 कट गया तो क्या बचा, 1 = 4, ये इधर गया तो माइनस हो गया, 240a = 3, यानी ये बराबर क्या हो, 3/240, यानी 1/80। अब a आपने किसको माना है, a माना है 1/x को, डाल दो, क्रॉस कर लो, x बराबर क्या आ गया, 80 किलोमीटर। b आपने किसको माना है, 1/y को, डाल दो और वैल्यू क्रॉस कर दो, क्या हो गया, y को 60 किलोमीटर/आवर। क्या मतलब है कि बस का स्पीड 80 किलोमीटर/आवर है, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर/आवर है। कहने का क्या मतलब है, ये ट्रेन कोई पैसेंजर ट्रेन होगी और ये बस जो है आगरा दिल्ली हाईवे पर चल रहा है फास्ट से। तो चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर